बलवीर, आज तुम हार गए। बालवीर, तुम्हारी अच्छाई ने मुझे जीत लिया है और तुम्हारी अच्छाई की जीत ही है मेरी मौत। अलविदा बालवीर। रुक जाओ काली, काली नहीं, रुक जाओ काली। परियोग, तुम सब ठीक तो हो ना? बादशाह के बाल मित्र, तुम दोनों ठीक हो ना? थैंक यू बालवीर, तुम्हारी वजह से हम सबको एक नया जीवन मिल गया। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। परियोग, मैंने काली का अंत नहीं किया बल्कि उसने खुद अपना बलिदान दिया है। उसने साबित कर दिया कि इंसान हो या दानव, अपने अंदर की बुराई को मिटाकर वो सच्चा और अच्छा बन सकता है। देखिए, देखिए आप परिया, देखिए ये नहीं परिया। ये परिया है तो तुम गधे हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इनका कॉस्ट्यूम मानो में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और परिया का भी? परिया? हाँ? कौन परिया? ओ, अच्छा, अब समझ में आया मुझे इस मोंटू का फुलिश प्लान। सर, एक्चुअली क्या है ना, हमारा बालवीर प्ले हिट किया था ना, तो नेक्स्ट मंथ जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आने वाला है उसके लिए हम दोनों रिहर्सल्स कर रहे थे। और इतने में मोंटू आ गया, उसने कहा कि मैं सब लोग को उल्लू बनाऊंगा, ये कहकर कि क्लासरूम में परियां आ गई हैं, और फिर उसने डोर लॉक कर दिया और आप सबको बुलाने चला गया। क्या मोंटू सितंबर के मंथ में अप्रैल फुल बना रहा है, वो भी सर को? वेरी बैड। ये फैटी है ना, ये हेड हमारे ग्रुप में गया तो किसी के ग्रुप में जाने के लायक नहीं है। आगे से अगर अपनी शक्ल भी दिखाई ना तो याद रखना। बॉयज, फॉलो मी। अरे तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जाओ अपने क्लास में। हमें उल्लू नहीं बनाया बल्कि अपने आप को मुर्गा बनाने का इंतजाम कर लिया तुमने। एक घंटे तक ग्राउंड में मुर्गा बना के रखूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी को उल्लू बनाने का मतलब क्या होता है। चल, चल बाहर ग्राउंड में। ग्राउंड में आता, उधर चलो। बाल बाल बच गए। परियों, आप आ सकती है? सब चले गए मानो मैं? हाँ, सब चले गए। ये लीजिए। शुक्रिया मानो महर, आप दोनों ने सही समय पर आके हम दोनों को बचा लिया। बचाया तो बालवीर ने परियों, हमको और बाकी सब परियों को,
मानव मेहर, हम सब बहुत भाग्यशाली है कि बालवीर जैसा योद्धा हमारे साथ है जो हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बचा लेता है। Yes, बालवीर is just great. जिस सुरक्षा कवच को बनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसे बनाना शुरू कीजिए। जी रानी परी। अब पूरे परिलोक पर एक शक्तिशाली अभेद कवच लग चुका है। अगर किसी भी बुरी शक्ति ने परिलोक में कदम भी रखने का प्रयास किया तो सुरक्षा कवच को छूते ही वो समाप्त हो जाएगी। परंतु रानी परी, है क्यों ये सब किया जा रहा है? क्या आपको अंदेशा कि होने वाला है परिलोक में कोई बड़ा आक्रमण? नहीं डूबा डूबाए, ये हमसे ज्यादा किसी और के लिए किया जा रहा है। है वो कौन जिनको लेकर आप कर रही है सब तैयारियां? नन्ही परिया। आज परिलोक में नन्ही परिया आ रही है सच्चाई और अच्छाई का पाठ सीखने और साथ ही साथ अपनी जादू शक्तियों के प्रयोग को भी सीखने आ रही है वो। नन्ही परिया? अब पर रानी परी, है लिखा तो परिलोक की पौराणिक कहानियों में कि है अब नन्ही परिया सिर्फ एक कल्पना, क्योंकि हो चुका है उनका अस्तित्व समाप्त कई हजार साल पहले। नहीं डूबा डूबाओ, नन्ही परिया कल्पना नहीं है, उनका अस्तित्व आज भी है, बल्कि कई हजारों सालों से बड़े ही गुप्त तरीके से उन्हें सच्ची और अच्छी परिया बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। लेकिन है वो तीनों परिया ही, तो है क्यों पढ़ाना उन्हें सच्चा और अच्छाई का पाठ? क्योंकि डूबा डूबाए, इस समय वो तीन नन्ही परियां छोटे बच्चों की तरह जिन्हें अच्छाई और बुराई के अंतर के बारे में कुछ नहीं पता। उनका मन और दिमाग तो एक कोरे कागज की तरह है और इसीलिए जो जो अच्छी बातें हम उन्हें सिखाएंगे वो उनके मन में लिखी जाएंगी और फिर वो हम सब की तरह बड़े होकर अच्छी परियां बन जाएंगी। हमसे भी अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही रानी परी, कब आएंगी वो नन्ही परियां? सच में उनसे मिलकर और उन्हें सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाकर हमें बहुत आनंद आने वाला है। परियो, हम आपके उत्साह को देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन जब वो तीन नन्ही परियां परिलोक में आए तो आपको अपने उत्साह को काबू में रखना होगा, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से वो तीनों नन्ही परियां परिलोक में छिप कर आने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज अभी पता चला है कि एवीपी विद्या मंदिर के अंदर कुछ आर्म्ड रॉबर्स घुस आए हैं जिन्होंने सारे बच्चों को बंदी बना लिया है, और इस घटना के पीछे पुलिस और प्रशासन की लापरवाही दिख रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस का नामो निशान नहीं है, क्या होगा इन बच्चों के साथ? इन्हें कौन बचाएगा इन रॉबर्स से? तुम लोग को डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं, डरना तो आपको चाहिए क्योंकि आपने हमें ऐसे बंद करके बहुत बड़ी गलती की है और जल्दी आपकी हड्डियाँ टूटने वाली है। कौन तोड़ेगा हमारा हड्डी पसली? मोंटू बॉस। मैं कैसे तोड़ूंगा इनकी हड्डी पसली? रोहित, अब बालवीर को बुला लो। बालवीर कौन है ये? बच्चों को बचाने वाला बालवीर, वो हम सबको बचाने यहाँ जरूर आएगा और आप लोग के होश ठिकाने लगाएगा। बालवीर, बाल सखी, बालवीर, बालसखी, बालवीर, बालवीर,
जुगनू परी, फूल परी, कितना सुंदर और रंग बिरंगा परी रोक है। हाँ टिकली परी। जुगनू परी, फूल परी, चलिए रानी महल के अंदर चलते हैं। ठीक है टिकली परी, चलिए। ओहो, कौन है जिसने मेरे सपने को भगा दिया? मुझको भी जगा दिया। अरे ये तो बात करते हैं और इनकी आंखें भी हैं। इनके मुझे भी है। दूर रहो, दूर रहो। ओ तुम कौन? पहले ये कहो। मैं हूँ जुगनू परी, मैं हूँ फूल परी, मैं हूँ तितली परी। आप हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हैं, थकते नहीं है? आपके हाथ तो है ही नहीं, आप खाते कैसे हो? आपके पैर तो है ही नहीं, तब खेलते कैसे हो? बंद करो मचाना धमाल। बस करो अपने ये सवाल। अरे कोई यहाँ से भगाओ इन्हें और इनसे बचाओ हमें। हमसे बचना है तो रानी परी से मिलाओ हमें। रानी परी ऐसे नहीं किसी से मिलती। लेनी पड़ती है पहले आज्ञा उनकी। हमें तो रानी परी ने ही बुलाया था। परी लोक में आओ नन्ही परियों, ऐसा संदेश भिजवाया था। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया कि तुम नन्ही परियां हो? हाँ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मतलब इन्हें जाने दो, जाने दो। जाओ, अंदर जाओ। शुक्रिया, शुक्रिया। कौन हो तुम लोग? यहाँ आके अच्छा नहीं किया तुम लोग ने। हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और हम तुम्हें पुलिस के पास भेज देंगे। पहले मेरी ढाल को तो उठा लो। बच्चे लोग, बहुत खेल लिए तुमने खेल, अब तो मैं स्कूल से जाता हूँ। एक भी कदम आगे बढ़ाए तो ये बम बच्चों में डाल दूंगा मैं। ए, वहीं रुक तू। हमें घूम के देख रहा है। अरे चिपक गया हाथ में मेरे ये। नहीं निकल रहा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे हम। आज के बाद तुम बच्चों को कभी परेशान नहीं करोगे, उन्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाओगे। आगे से अपने आप को चोट पहुंचाएंगे लेकिन बच्चों को कभी नहीं पहुंचाएंगे। थैंक यू बालवीर। चलो भागो, चलो भागो। अरे क्या हो गया? अरे आने की भी जल्दी और भागने की भी जल्दी, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजते हैं। जब तक हम तीनों बच्चों के रक्षक हैं, तब तक कोई भी अगर बच्चों को परेशान करने की सोचेगा भी तो उसका यही हश्र होगा।
फूल परी रुक जाइए, अरे हमारी बात तो सुनिए। रुकिए तो जुगनू परी, अरे कितनी प्लीज रुकिए। नन्ही परियों, हमने आपसे क्या कहा था? जब बड़े आपसे कुछ कहे तो आपको उनकी बात को मानना चाहिए। और उससे पहले हमने आपको क्या सिखाया था कि जब भी आप किसी से मिले तो आपको कहना चाहिए खुश रहो, और ऐसा ना करना बुरी बात होती है। हम आपको करके बताते हैं। खुश रहो नन्ही परियों, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। पंख लगाकर तितली के ये दिन आया है, साथ अपने ये चमकीली रोशनी लाया है, मीठी मीठी खुशबू को चारों तरफ फैलाया है। वाह! नन्ही परियों, अब आप इतनी लंबी यात्रा करके आई हैं तो थक गई होंगी, इसलिए जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। पर रानी परी, हम किसी भी परी की जादुई शक्ति के बारे में नहीं जानते। चिंता मत कीजिए नन्ही परियों, जैसे जैसे आप परियों से जादुई शिक्षा लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको इनकी जादुई शक्तियों की विशेषताओं के बारे में पता चलता जाएगा। रानी परी, आपसे एक निवेदन है, क्या हमें परीलोक घूमने की आज्ञा मिल सकती है? अगर आप परीलोक में घूमना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। डूबा डूबा एक, आप इन तीनों नन्ही परियों को लेकर जाइए और सावधानी पूर्वक परीलोक की सैर कराइए। जी रानी परी। रानी परी, क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? बाल परी, हम नन्ही परियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हमें ख्याल रखना होगा कि प्रचंडिका को ये ना पता चले कि नन्ही परियां इस समय परीलोक में। हम नहीं चाहते कि काली रात का इतिहास परीलोक में दोहराया जाए। हमें पता है रानी परी, कई सौ साल पहले जो नन्ही परियों के साथ हुआ आप उसे लेकर परेशान हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, वैसा अब दोबारा नहीं होगा। प्रचंडिका को सपने में भी ये ख्याल नहीं आएगा कि नन्ही परियां परीलोक में हो सकती हैं। अगर प्रचंडिका को पता चल भी गया तब भी वो हमारे बनाए हुए शक्तिशाली अभेद कवच को भेद कर नन्ही परियों तक नहीं पहुंच पाएगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.